तो आपके हावड़ा वालों का बिल्कुल नजदीक है। और बंशीवर्धन ठाकुर तो ठीक है, वो तो नवद्वीप हैं, तो उनके बारे में शाम को थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। अभी तो श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण गमन उसी को जारी रखते हैं। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण गमन में, तो वहीं से शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानंतमिदांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोहिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सह गण कविता श्री विशाखानितम स नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत जाने के लिए सार्वभौम से विदा लेकर के अब निकले, जाकर के अलारनाथ में पहुंचे। मैं कल बता रहा था अलारनाथ जाते समय रास्ता में जब वो जा रहे थे, कांचन सदृश वर्ण सूर्य सम वस्त्र ऐसे तपे हुए सोना के समान उनके शरीर के रंग था, कांति था, और वस्त्र भी बिल्कुल ऐसे ही पहने हुए थे, और हाथ उठा करके बहुत उद्भव लंबे चौड़े महाप्रभु थे, दोनों आंख से आंसू बहाते हुए और जो कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करके जा रहे थे, जो उनको देखता था वही मोहित होकर के उनके पीछे पीछे चल पड़ता था। इस प्रकार जब अलारनाथ में पहुंचे तो आसपास के गांव के हजारों संख्या में छोटे बड़े वृद्ध वृद्धा युवक युवती सब इकट्ठा हो गए, सब नृत्य के नृत्य देखने रहते, सब घर द्वार काम धंधा भूल गए, वहां रह करके सब हरे कृष्ण नाम लेकर कीर्तन कर रहे थे। भगवान दर्शन के पूरे शाम तक कीर्तन चला, रात में लेट नाइट में सोने के बाद में महाप्रभु सुबह सुबह उठ करके कैसे चले गए, भक्त लोग समर्चित होकर पड़े और एक दिन वहां रहे, महाप्रभु के विरह में फास्टिंग करके उपवास रह करके महाप्रभु चले गए। उनके साथ केवल कृष्णदास, उनका लगेज जो अपना कोपिन बहिर्वास और एक जलपात्र इतना लेकर के उनके साथ चल पड़ा। अभी महाप्रभु ओडिशा बॉर्डर से लगभग निकल करके अब दक्षिण भारत के बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का बॉर्डर में वो जा रहे हैं, चिलिका के आसपास। तो इसको वर्णन करते हैं। मत्त सिंह प्राय प्रभु करी लागमन, प्रेमा वैसे जाय करी नाम संकीर्तन। काल मैंने बताया था महाप्रभु जो निकले वही बता था कि विच्छेद व्याकुल प्रभु चलीला दुखी हैया, कृष्ण विच्छेद में व्याकुल होकर के वही चलते थे। पाछे कृष्णदास जाय पात्र वस्त्र लया। तो महाप्रभु कैसे जा रहे हैं, बोलते मत्त सिंह प्राय प्रभु करी लागमन, प्रेमा वैसे जाय करी नाम संकीर्तन। मत्त सिंह के समान जा रहे हैं और प्रेम के आवेश में नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं।
क्या गा रहे हैं, श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या गाते थे नाम कीर्तन, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षमाम, कृष्णा 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 पाहिमाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहिमाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहिमाम। इस प्रकार कृष्ण इति कृष्ण इति हे कृष्ण इति मांग पाही रक्षमाम। इस प्रकार इसी को गा गा करके और उर्द्वा होकर कृष्ण करते चल रहे थे। तो यहाँ वो कहते मत्त सिंह प्राय, यदि सिंह सिंह जब चलता है उसको कोई भय नहीं रहता, क्योंकि जंगल के राजा है वो, पशुओं के राज पशुराज सिंह हो जंगल के राजा, तो डर कर थोड़ी चलेगा। बाकी सारे पशु पक्षी डरते हैं, कोई और जानवर नहीं है कुछ कुछ है कुछ है, लेकिन सिंह कभी डरता नहीं, निडर होकर के किसी को भ्रुक्षेप ना करके सिंह ऐसे चलता है। तो इस प्रकार निडर होकर के और प्रेम में मत्त होकर के प्रभु चल रहे हैं, और जाते समय में कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षमाम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहिमाम। इसको गा करके जाते थे। तो यहाँ एक बात बड़े ध्यान से विचार करने के बात है कि ये आगे पैर में कहा गया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे हैं विच्छेद व्याकुल प्रभु, कृष्ण विरह के विच्छेद में व्याकुल होकर के जा रहे हैं, और यहाँ कहा गया प्रेम के आवेश में है। चलो कृष्ण 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 तो ठीक है, लेकिन ये कृष्ण केशव राम राघव ये आप लोग सभी जानते हैं। केशव मतलब कृष्ण तो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, और केशव मतलब नारायण है, वैकुंठ के अधिपति वैकुंठाधिपति नारायण को केशव कहा जाता है। और राम दशरथ नंदन राम, अभी जिनका जन्म जयंती गया दशरथ पुत्र राजा राम, और राघव वही राम को भी राघव कहा जाता है क्योंकि रघुवंश में जाते हैं, इस कारण राघव कहा जाता है। तो क्या महाप्रभु वही श्री राम दशरथ नंदन श्री राम वैकुंठपति श्री नारायण जिनको केशव कहते हैं उनका नाम लेते हैं, कृष्ण नाम तो ठीक है उनको लेते हैं, ये मन को जचता नहीं है, क्योंकि जब विच्छेद वियोग में विफल हो रहे हैं प्रेम के आवेश में हैं तो फिर ये नाम कैसे लेंगे, है ना। नहीं अभी ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि महाप्रभु किसके विच्छेद में थे, कृष्ण के विरह में, किसके आवेश में थे प्रेम का, कौन सा प्रेम, ना उनके अंतर कुछ नहीं था, पूर्ण रूपेण राधारानी भाव भरा हुआ था, राधा भाव दुतिसी वलितम, राधा रानी का कृष्ण विरह में जिस जो दशा था वही दशा को हूबहू महाप्रभु धारण किए थे। जब कृष्ण नहीं थे चले गए थे तो राधा रानी किसे व्याकुल हो रही थी, आकुल हो रही थी कृष्ण विरह में, तो ही राधा प्रेम दशा को हृदय में धारण करके महाप्रभु ऐसे विकलता ऐसे विफलता के साथ जा रहे थे, इसी प्रेम को दिखाने के लिए जा रहे थे। तो इसी में फिर राम का नाम कैसे आएगा, राधा रानी कभी भूल में भी ऐसे नाम नहीं आता है उनको, केवल कृष्ण को लक्ष्य करके प्रार्थना करती थी। तो महाप्रभु भी तो राधा ही है, उनके अंदर तो कुछ नहीं है, बाहर भले ही प्रसन्न कृष्ण हो लेकिन अंदर सारे कांति रंग भी राधा की है और भाव सब कुछ राधा की है,
तो राधा रानी इस नाम तो नहीं लेंगे, तो फिर क्या उसका रहस्य है? तो बोलते हैं जो कृष्ण कृष्ण तो ठीक है, कृष्ण को बुला रहे हैं कृष्ण हे कृष्ण, उसके बाद में कहते हैं राम राघव, राम कहने का अर्थ है ये दशरथ नंदन राम नहीं है बल्कि रमयति इति राम, राम शब्द का अर्थ है रमणकारी, रमण मतलब आनंद प्रदानकारी। बार रमण किए हैं तो ही राम हे रमण करता आज क्या भूल गए मुझे, तो इसलिए उनको पुकार रहे हैं हे राम। था इसी को हे राघव हे पूर्ण दीप्तिमान प्रभु, उनको राघव कर बोलते आज आप क्यों मुझे ऐसे दुखी कर रहे हैं, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे मैं अभी आपके अदर्शन से विकल हो रहा हूँ, मैं प्राण छटपटा रहा है, आप वही आपके द्वितीयमान रूप को मुझे दर्शन कराइए, मेरे प्राण को शीतल कराइए। और केशव, केशव का अर्थ है एक तो केशव का अर्थ है जो नारायण है क इसे कुछ बस में रखने वाले, और एक केशव के अर्थ हो सकता है केश विन्यासकारी, केश मतलब केश बाल, उनको केश बंधन जो करने वाले केशम बंधयति इति केशवः। तो जब एकांत में कभी श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ करता था तो उसके बाद में इस नृत्य आदि के बाद में राधा खुल जाती थी, खुल जाती थी, तो भगवान ने केश खुल अनुवाद स्वयं आकर के अपने हाथ से राधा रानी के श्री केश को बांधते थे, बांधते बटकर कंगी करते थे, बांधते थे उनको, उनके बणी डालते थे। तो इसी को राधा रानी कहते बोले आप भूल गए, आप मेरा केश बंधन करते थे, आज मुझे भूल करके मथुरा चले गए, याद नहीं करते हैं, मैं आपके विकल होकर के इसी याद में तो इसी को हे केश बंधनकारी हे केशव हे द्वितीयमान पुरुष हे राघव हे राम हे रमणकर्ता हे राम, तो उसी भाव में वहां प्रभु कृष्ण को राधा रानी के प्रेम आवेश में आकर के उन्हीं के सदृश श्री अपने प्राण बल्लभ श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। राधा अविष्ट होकर के राधा रानी जिस प्रकार अपने प्राण बल्लभ को याद करते हैं ठीक इसी प्रकार बोलते हैं कि मेरा मन मेरा बुद्धि मेरा इंद्रिय वर्ग को आकर्षण करके, कृष्ण तो आकर्षणकारी, मेरा मन बुद्धि इंद्रिय को आकर्षण करके जिस प्रकार मेरा अपने इस अवस्था किए हैं, अब हमारा साथ आप छोड़ करके चले जाते हैं, तो इस प्रकार दुख से मैं पीड़ित होकर के आपको प्रार्थना कर रही हूँ, कृपा करके हे कृष्ण हे कृष्ण हे राम हे राघव हे केशव मुझे फिर आकर के आपके दर्शन दे करके मुझे आनंद दीजिए, आनंद कीजिए, आपके हे बंधु आपके विरह में मैं एक क्षण जुगाय तंग निमिषेण ऐसे लगता है, और जैसे शत सहस्र बिच्छु दंशन के जो यंत्रणा इस प्रकार में दुख पा रहा हूँ, आप कृपा करें मुझे दर्शन दीजिए, रक्ष माम मुझे रक्षा करो, मेरे पाही माम मुझे बचाओ, नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगा रह नहीं पाऊंगी, इसलिए रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम, क्या कि आपके विकल में आप विरह में मैं देह धारण करने समर्थ नहीं हूँ, इसलिए रक्ष माम पाही माम मुझे बचाओ मुझे रक्षा करो। राघव इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राधा रानी के भाव से
महाप्रभु चल रहे थे। यही श्लोक पढ़ी पथे चले गौर हरि, लोक देखी पथे कहे बोल हरि हरि। जब रास्ता में जाते थे महाप्रभु, वो तो अपने भाव में बिल्कुल मस्त थे, कोई आसपास का गांव के लोग उनको मिलते थे तो देखते ही महाप्रभु को नजर पड़ता था किसी के ऊपर, तो क्या बोलते थे, लोको देखी पथे कहे बोलो गो हरि हरि, बोलो हरि हरि, बोलो हरि बोलो। तो लोग भी महाप्रभु को देख करके भूल जाते थे अपने आप को। सही लोक प्रेम मत्त बोले हरि कृष्णा, प्रभु पाछे संगे जाय दर्शने सतृष्णा। जो एक बार महाप्रभु देख लिया, महाप्रभु उधर पड़ा तो महाप्रभु बोले बोलो हरि हरि बोलो, तो तुरंत हरि कृष्ण बोलना शुरू करता था और महाप्रभु के पीछे चल पड़ता था, पीछे पीछे चलता था दर्शन करने के लिए। कत दूरे रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करे न तारे शक्ति संचारिया। और कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे वो आदमी चलता था तो महाप्रभु फिर पीछे मुड़कर देखते थे, बोले मेरे पीछे चल पड़ता ना, तो तुरंत आलिंगन करते थे, बोले जाओ जाओ आप अपने काम में जाओ, आलिंगन करते थे। अरे महाप्रभु के स्पर्श पा कर, अब तो कोरोना वायरस का क्या, उनके बाप हाँ, कई हजार किलोवाट के करंट जैसे एक साथ में इनपुट हो जाए, तो महाप्रभु के स्पर्श पा करके आलिंगन पा करके जो व्यक्ति आलिंगन, उसके शरीर तत्क्षणात बदल जाता था, भाव रंग धारा सब बदल जाता, वो पागल होकर के उदंड कीर्तन हाथ उठा करके हरे कृष्ण कृष्ण गाता था और ये पागल होकर आता था। और उनके कोई भी देखते थे उनका वही होता था, जो उनको छूते थे, जो उनका संस्पर्श में आता उनका वही हाल होता था। तो विदा करे ना तारे शक्ति संचार, शक्ति संचार या मतलब शक्ति के संचारण कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं पावर, उसको एनर्गाइज्ड कर देते हैं। जैसे कोई वस्तु को अपने कोई लोहे के छड़ी है उसको अब आग में डाल दो तो उसमें आग का शक्ति आ जाएगा, आग जैसे लोहे बड़ी की तरह काम करते, कहीं लगाओ जला देगा, हाथ ऊपर जल जाएगा लगाने से। प्रभु के स्पर्श पाकर महाप्रभु तो इतने पावरफुल, इतने हाई वोल्टेज उनका अंदर चलता था, वो किसी को स्पर्श करते थे तुरंत तो बदल जाता था, जिसके के ठंडा बिल्कुल फायर रड हो जाता है अग्नि के संगत पा करके, महाप्रभु के संग पाकर स्पर्श पा करके कोई भी व्यक्ति कैसे तुरंत प्रेम पागल हो जाता था। तो इसी बोलते शक्ति संचार कर दिए। सही जन निज ग्रामे करी आगमन, कृष्ण बोले हासे कांदे नाचे अनुक्षण। वही जन जिसको महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहा था और जा करके महाप्रभु को पीछे पीछे जा रहा था उन देखने के लिए, महाप्रभु घूम कर उनके आलिंगन कर लिए, वही जन जो पागल हो गया प्रेम में, शक्ति प्राप्त जिसको करा दिए महाप्रभु ने, उसके अंदर शक्ति भी डाल दिए, तो चार्ज किया हुआ आदमी, शक्ति में चार्ज होकर के आदमी क्या कर रहा था, सही ग्राम में अपना गांव में जब जाता था, जाकर गांव में कृष्ण बोले हंसे कांदे नाचे अनुक्षण, कृष्ण कृष्ण बोल करके हंसता था रोता था नाचता था। जारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम, ऐ मत वैष्णव कैल सब निज ग्राम। और वो व्यक्ति एक कुत महाप्रभु चार्ज कर देते थे, ऐसा इतना चार्ज करके भेजते थे, वो जाकर पूरे गांव के हर व्यक्ति को चार्ज कर देता था। यही मतलब वैष्णव कैला सब निज ग्राम, तो अपने सारे गांव को ही कृष्ण भक्त बना देता था। ग्रामांतर हैते दैवे आई से जत जन, तहार दर्शन कृपाए हय तार सम। और ये बात सुन करके आसपास के गांव के लोग आते थे, ये क्या हो गया गाँव वाले, उनका क्या ऐसे हो गया, ऐसे वो आकर के उनके पास आते देखते उनको भी ऐसे होता था। केवल उन्हीं के गांव नहीं, उनके गांव और आसपास के जितने गांव है सारे लोगों को देख करके दर्शन दे करके भक्त बना देता है। महाप्रभु का शक्ति का ये प्रताप है। ये कर्म जे छे रीति ते छे कैल सर्व ठाई, नीला चल पुनः जावत न आईला गोसाई। बोले इस प्रकार जो कर्म है जिस रीत में जिस प्रकार से किया गया, कर्म में जैसे रीत तैसे कैले सर्प उठाए, नीला चले पुनः सवार ना आईला गोसाई।
अतएव यहाँ कहिला करिया विस्तार एहि मत जानिबे प्रभुर सर्वत्र व्यवहार। तो इस प्रकार किस किस प्रकार से कर्म जैसे रीता तैसे कैल सर्व ठाई। अभी जैसे किए इस गांव में एक व्यक्ति को चार्ज करके पूरे गांव और आसपास गांव के लोगों को भक्त बना दिए, बोलते कैल सर्व ठाई। हर गांव में यही करते थे, एक व्यक्ति को शक्ति संचार करते थे, पावर देते थे, वो सारे गांव को बदल डालता था। एतव यहाँ करीला ना करीला, इसलिए विस्तार से नहीं कहता हूँ, हर जगह पर तो यही काम करते थे। यही मत जानी वे प्रभुत्र प्रभुर समस्त सर्वत्र व्यवहार यही मत सही रात्रि। तो इस प्रकार हर जगह पर ऐसे व्यवहार करते थे, मतलब प्रचार करते थे, सब भक्त बनाते थे। इस प्रकार यही मत सही रात्रि तहाई रहिला, स्नान करी प्रभु प्रातः काले चलिला। इस प्रकार वो गांव में भक्त बनाकर गांव में रुकते थे रात को, तो सुबह स्नान करके फिर चल पड़ते थे। प्रभु अनुब्रजी कुर्मा बहु दूर गेला, प्रभु तारे जत्न करी घरे पठाइला। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय। निज ग्राम वैष्णव करय, अन्य ग्रामी आसितारे देखी वैष्णव हय। जय जाई आर ग्रामे करे उपदेश, एई मत वैष्णव कैल सर्व देश दक्षिण देश। समझ गए ना क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला महाप्रभु अपना है। जैसे आप भक्ति वृक्ष में एक को भक्त बनाए, तो आप भी पांच आदमी को बुलाए, फिर हर पांच आदमी से हर एक व्यक्ति को वो पांच पांच करेगा, फिर जो पांच आएंगे उनको बोलेंगे, हर एक को पांच पांच करेगा, ऐसे बढ़ता रहता है। महाप्रभु का पॉलिसी, महाप्रभु से हम सब सीखा किए, बोलते हैं महाप्रभु एक आदमी रास्ता में मिला तो उसको आलिंगन करके उसके अंदर चार्ज दे देते थे, शक्ति संचार कर देते थे। सही जाई निज ग्राम वैष्णव करे, वो जाकर अपना सारे गांव को वैष्णव करता था, बातें करके दर्शन देकर करा देता था, पूरा कन्वर्ट कर देता। तो वो जब गांव को बदल डालता है तो अन्य ग्रामीण गांव से लोग आए उनको देख करके वैष्णव हो जाते थे। और सही जाई आर ग्राम में करे उपदेश, और जो सेकंड थर्ड पार्टी हुआ वो जाके फोर्थ गांव में वो जाकर अपना उपदेश देता था। यही मतलब वैष्णव हमारा सब दक्षिण देश, यही मतलब पथे जाते सत सत जना वैष्णव करे न तारे करे आलिंगना। सही ग्राम में रही भिक्षा करे न चार घरे, सही ग्राम में जत लोक ऐसे देखी बारे। तो जब महाप्रभु जाते थे रास्ते में जो गांव में रुकते थे उन्होंने, सही ग्राम में भिक्षा करे ना जारो खरे, भिक्षा मतलब भोजन लेते थे, किनके घर में एक बार भोजन लेते थे। सही ग्राम में जत लोक ऐसे देखी बार, पूरे गांव के लोग आते थे उनको दर्शन करने के लिए। प्रभुर कृपा सब महा है महाभागवत, महाप्रभु कृपा करके दृष्टिपात करते थे, सारे महाभागवत बन जाते, कुछ परिश्रम में केवल दर्शन मात्र से सब महाभागवत बन जाते थे। से सब आचार्य हया तारिला जगत यही मत कैला जावत गैला सेतु बंध। वाह, बोलते हैं केवल दर्शन दे करके आलिंगन, एक एक व्यक्ति को तत्क्षणात आचार्य बना देते थे, ऐसे पावर दे देते थे, वो जा करके अपने गांव और कई लोगों को उद्धार करते था। यही बोलते से सब आचार्य हिला तरीला जगत यही मत कैला जावत गेला सत्यवंद। रामेश्वर तक जाते समय एवरी डे जहां रात को रुकते थे, शाम को रुकते थे, वहां नाच करते, एक एक को व्यक्ति को महाभागवत बना बना कर जाते थे। सर्वदेश वैष्णव हिल प्रभु संबंध है नवदीपे सही शक्ति ना कैल प्रकाशे, से शक्ति प्रकाश निस्तारिल दक्षिण देशे। अब इस प्रकार जो अद्भुत कृपा शक्ति के विस्तार कर रहे हैं, उनको तत्क्षणात तो न चाहते हुए पात्र अपात्र न विचार करके तुरंत उनको प्रेम भक्ति प्रदान करते थे, भक्त बनाए देते थे, इसको कहते हैं कि
कि नवदीपे सही शक्ति नाकैले प्रकाश से शक्ति प्रकाश ही निस्तारिले दक्षिण देश। बोलते नवदीप में ये शक्ति संचार नहीं किए थे। जैसे भक्ति जैसे कृपा अभी दक्षिण में कर रहे हैं, ये नवदीप में भी अपना गांव में भी अपना गांव में खुद नहीं किए थे। प्रभु रे जे भजे तारे तोरा कृपा है छठे से वैष्णव लीला साक्षात करी लय। प्रभु रे जे भजे तारे तारा कृपा है सही से ऐ सब लीला सत्य करी लय। लौकिक पाते लौकिक लीला ते जार ना जन्म विश्वास इह लोक परलोक तार है नाश। इस प्रकार ये लीला लौकिक लीला तो इस प्रकार महाप्रभु जाते समय में दो साइड में जितने भी गांव आता था पूरे गांव के लोग को थोक में होलसेल में ड्यूटी बनाकर जाते थे। सर्वदेश वैष्णव महिला प्रभु रे संबंध है, महाप्रभु के संबंध में उनकी यात्रा में लगभग सारे गांव देश देश वैष्णव हो जाते थे। इसी को कहते नवदीप है ऐसे शक्ति ना कैले प्रकाश से शक्ति प्रकाश से निस्तारिले दक्षिण देश है। नवदीप में ऐसा शक्ति प्रकाश नहीं किए थे जितना कृपा जितना शक्ति दक्षिण में प्रकट किए। उसका क्या कारण है ये आप लोग से विचार करके देख सकते हैं क्या कारण है। आगे कहते हैं प्रभु रे जे भजे तारे तारा कृपा है, जो मनुष्य महाप्रभु को भजन करते हैं उनके ऊपर उनको पता है ये सही से ऐसा वलीला सत्य करी लय। जिनका महाप्रभु कुछ सही में भक्ति भाव है जो उनका आदेश पालन करते भजन करते हैं ये लीला को वही लोग सत्य करके मानेंगे। अलौकिक लीला देना जाए अलौकिक लीला ते जा ना जन्म विश्वास यह लोक परलोक तार है नाश। और इस प्रकार अलौकिक लीला में जिसका विश्वास नहीं होता है तो उनका ये जन्म और अगले जन्म दोनों ही नाश हो जाएगा। एखाने कहिला प्रभु चरण एखारे रहिल कहिला प्रभु जरू पग मन यही मत जानी बजाव तो दक्षिण भ्रमण भ्रमण। बोले आज के एक दिन के सैंपल दिखाया किस प्रकार महाप्रभु नाश्ते नाश्ते जाते हैं सारे गांव के लोग होलसेल वैष्णव कराते हैं और फिर उनका चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बल्कि उनके सब प्रेम भक्ति दान करके सब कृतार्थ करके जाते हैं। यही मत जाते जाते गेला कर्म स्थान प्रथम कहले प्रभु चेरूप गमन यही मत जानिया जावत दक्षिण देश भ्रमण। इस प्रकार जैसे मैं सैंपल दिखाया है गांव में पूरे दक्षिण से आना जाना से एवरीडे उनका रूटीन था। तब आज ये देवी यही मत जाते गेला कर्म स्थाने कुर्म देखी तारे कैला स्तवन प्रणामे। तो इस प्रकार उड़ीसा बॉर्डर से निकल करके आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में एक स्थान है जिसका नाम है श्रीकाकुलम। आज भी वो स्थान है स्टेशन भी है बस स्टैंड भी है। तो उड़ीसा और एपी के बॉर्डर है वहाँ पहुँचे मतलब एक आदमी वहाँ रह करके वहाँ पहुँच के जा करके वहाँ पहुँचे तो उनको पता चला महाप्रभु को कि महाप्रभु जहाँ कोई कृष्ण मंदिर हो अवश्य जाते थे पता के बोले कुर्म भगवान का मंदिर है कुर्म स्थान है पता लग गया उन्हें। ऐसे कुर्म स्थान के बारे में ऐसे कहानी प्राप्त होता है कि भगवान कुर्मदेव आप जानते हैं जिन्होंने मंदराचल को धारण किए थे समुद्र मंथन के समय में और भगवान कुर्म अवतारी साउथ इंडिया में जो बड़े बड़े मंदिर है ये मंदिर के जब हम जाते हैं उनका जो मेन गेट होता है गेट महाद्वार के सामने एक कच्छप मूर्ति जरूर होता है नीचे जमीन पर जो मार्बल फ्लोर या कई डस्टन फ्लोर होता है
बहुत बड़े कच्छप का आकृति रखा रहता है, तो आप लोग भी देखे होंगे कई जगह में करते होंगे। इसका कारण ही है कि भगवान ने स्थित प्रज्ञा आदि आदमी का, स्थित प्रज्ञा व्यक्तियों का उदाहरण कछुआ के साथ दिए थे, कुर्म के साथ। कुर्मंगानि व सर्वसः, कछुआ का विशेषता है अगर कुछ आपने पसंद मन की चीज, मैंने आपने जो अनुकूल चीज पदार्थ नहीं हुआ तो आपने सारे हाथ पैर मुंह बिल्कुल अंदर छिटा देगा, कोई पता नहीं चलेगा उसका हाथ पर है कि मुंह है कि नहीं, पता नहीं चलेगा। एक थाली से भी और कठिन पदार्थ दिखाई पड़ेगा, ऐसे ही आपने अंदर छिपा लेता है सबको। और जब उनके लिए सुविधा होगा, खुला है सब कुछ, तब फिर अपना हाथ पैर मुंह सब निकालेगा, कुछ करेगा। तो इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति को ऐसे अपने आप को, सारे इंद्रियों को संयम करने वाला प्रतिकूल परिस्थिति में, इस प्रकार उदाहरण देने के लिए पित्तवासन और कुर्म जैसा करते थे। तो कुर्म खेत भगवान के ऐसे कहा गया कि एक समय कुर्म भगवान जब थे, पता नहीं वही प्रकट हुए थे, एक समय श्री रामानुजाचार्य, ऐसे कथा आता है कि मदंती, वो जब पूरे भारत वर्ष भ्रमण करते थे तो पुरी में आए थे। पुरी में आकर के पुरी में जो पुजारी वर्ग थे वो जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, और सेवा में कुछ उनको फल्ट लगने लगा, बोले ये सो ठीक नहीं कर रहे हैं, उसको संस्कार करना पड़ेगा। तो उन्होंने राजा से कह करके, अभी भी देखें रामानुजी तिलक है मंदिर के ऊपर में, और बोलते चाहते थे कि सेवा पूजा बिल्कुल इसी रीति में हो जो शिव वैष्णव की संप्रदाय रीति है। तो जो पूजारी थे सब पहले नाम किए, पहले आप ही जानो, उन्होंने तो हमको सब राजा को कहकर दंडित करेगा, चेंज करा देगा, उन्होंने सब प्रार्थना की जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी आए, सुदर्शन का और जो राजा थे वो राजा को कंप्लेन किए, तो राजा को डरे गए सब सेवक गण किए, तो कंप्लेन किया हमारा सब नौकरी निकाल देगा, हमको क्या करेगा क्या करेगा। तो जगन्नाथ जी ने और कहीं ना जा करके सीधा उसी रात को रामानुजाचार्य जी को उठा करके पुरी से फेंक दिए, उठा कर फेंक दिए, कथा चेतन से तो आता है। और उनके सेवक लोग सुबह उठते हैं कि गुरु जी नहीं है, बड़े हताश, और कुछ दिन रुके, फिर पैदल में चलते चलते गए दक्षिण भारत वापस आते, और एक कुर्म क्षेत्र में देखे कि राम जी बैठे उधर, उस कुर्म क्षेत्र को उधार के वहीं मंदिर बनवा सके। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ की कृपा से एक कुर्म क्षेत्र के आविष्कार हुआ। तो इस कुर्म क्षेत्र में पहुंचे महाप्रभु, और मैं बता रहा था मंदिर के द्वार में कुर्म विग्रह क्यों रखते हैं, कुर्म कछुआ, क्योंकि जो भी मंदिर में जाते हैं तो अपने इंद्रियों को काबू में रखे, कंट्रोल में रखे, क्योंकि बहुत प्रकार की दृश्य आपको मिल सकता है, कई प्रकार के लोग, वेशभूषा किस प्रकार के भंग, किस प्रकार मनोभाव से आते हैं। तो इसलिए वहाँ भगवान को भक्तिभाव से दर्शन ना करें, उन लोग को दर्शन करके का फिर उनसे कैप्टिवेटेड ना हो जाए उनमें, तो इसलिए इंद्रियों को काबू में रखो, कैसे ना कछुआ जैसा ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति देखने से सीधा अंदर कुर्मंगा नि व सर्वसः, कुर्मा अपने अंग को सदृश, अंग के सदृश अपने सब खींच करके अंदर ले लेता है। तो इसलिए हमारे सारे इंद्रिय की क्रिया को हम अंतर अपने अंदर में संभालेंगे, अंतकरण लगाएं, किसी बोलना नहीं, ये कंट्रोल होने का है। तो इस प्रकार महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में पहुंचे, पहुंच करके यही मते जाते जाते गला कुर्म स्थाने, कुर्म देखी तारे कैलास तवन प्रणामे, कुर्म को दर्शन करके स्तुति और डांस किए, प्रेमावेश से हासी कांदी नृत्य गीता कैला, देखी सर्व लोके रचिते सर्वांग चमत्कार हैला। और जा करके महाप्रभु जो जाते थे तो करते थे, उनका मेन काम था जाकर के यहाँ, इतने कीर्तन किए, हाथ उठा करके नृत्य कीर्तन ऐसा अद्भुत किए, जितने लोग कुर्म दर्शन में आए थे सब कुर्म भगवान को दर्शन छोड़ करके उनके दर्शन किए, सब ऐसे होकर देख रहे थे क्या कौन है कैसा है, कैसे नृत्य कैसा कीर्तन। कुर्म देखी तारे यही मत जाए कुर्म स्थान, अच्छा
देखी सर्वलोकेर चित्ते चमत्कार हेला, आश्चर्य सुनी सर्वलोके आयला देखी बारे, प्रभु रूप प्रभुर स्वरूप प्रेम देखी हेला, प्रभुर रूप प्रेम देखी हेला चमत्कारे, दर्शने वैष्णव हेला सोलह वर्ष बोले श्री कृष्ण हरि, दर्शने वैष्णव हेला बोलो कृष्ण हरि, प्रेमावेशे नाचे लोक उद्धवाहु करी, कृष्ण नाम कृष्ण मुखे सुने एक बार, कृष्ण नाम लोक मुखे सुने हरि अविराम, से लोक वैष्णव कैल अन्य सवग्राम। तो इस प्रकार प्रेम के आवेश में नित्य कीर्तन करते थे, सारे लोग अद्भुत दृष्टि से मोहित होकर देखते थे और सभी लोग भी नचा दिए, सब प्रेम वैसे नाचे उर्ध्वाहु करी, कृष्ण नाम अंत में प्रेमावेश नाचे उर्ध्वाहु करी, कृष्ण नाम लोक मुखे सुनी अविराम, सही श्लोके वैष्णव कैल अन्य ग्राम। और महाप्रभु का आदेश में सभी कृष्ण कीर्तन नाम करते थे, तो इस प्रकार सारे लोगों के मुख से हरि कीर्तन कृष्ण कीर्तन को सुन करके सही लोग को वैष्णव हेतु अन्य नाम आगाए और उनको वैष्णव करने का कृपा महाप्रभु ने व्यवस्था किए। यही मत परंपराय देश वैष्णव रहल पंचनाम अमृत देश, पंचनाम अमृत बन्यार देश भाषा इल। यही मत परंपरा देश वैष्णव है, कृष्ण नामामृते बन्याय देश भाषा इल। इस प्रकार परंपरा क्रम में एक परंपरा मतलब सक्सेशन, पहले एक व्यक्ति को प्रेमदान दिए, एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरे व्यक्ति तीसरे को, तीसरे, इस प्रकार चैन, इसे बोलते परंपरा। इस प्रकार परंपरा हिसाब से पूरे देश को देश को देश वैष्णव करने गए, कृष्ण नामामृत बन्यार देश भसा दिया, कृष्ण नाम की अमृत की बन्या बहा दिए, देश को भसा दिए सब। कथो क्षणे प्रभु यदि वाख्य बाह्य प्रकाशिला, कुरुमेरा सेवक बहु सम्मान करिला। जब कुरुम क्षेत्र में कुरुम मंदिर के सामने पहुंचे थे तो यहाँ जो अद्भुत कीर्तन किए, तो कई लंबा समय तक ये कुरुम रावण देखते करके, अब कुरुमर सेवा का बहुत सम्मान करेगा। और जो कुरुम के जो मेन ब्राह्मण थे वो तो आरती से देख रहे थे, बोले ये कौन है, कैसे अद्भुत नृत्य। पूजा वूजा खत्म हो गया था, महाप्रभु का थोड़ा नृत्य बंद किए तो आवेश आया, तो फिर जब बाह्य प्रकाश किए तो तवे कथोखण प्रभु यदि बाह्य प्रकाश ला, कुर्मेर सेवक का बहुत सम्मान करते, कुर्मा के सेवक जो हैं उनके हृदय पुजारी आकर खूब सम्मान किए उनके। सही ग्रामे जाय तारा तहा जई व्यवहार, एक ठाई कहिल ना कहिव आरवार। तो कबीरदास गोस्वामी कहते हैं मैं एक बार थोक में कहता हूँ, बार बार यही बात नहीं कहूंगा, क्योंकि हर जगह पर हर दिन में यही काम करते हैं, तो इसलिए मैं एक बार में सबको कह लिया। क्या कह लिया, जैसे कल चर्चा किए थे कैसे पहले कैंडिडेट को मिले और कैसे उनके परिवर्तन किए, तो इसलिए जिसको भी मिलते थे उनको ऐसे परिवर्तन करके कृष्ण भक्त बुलाते थे, कृष्ण कीर्तन में लगा चलते थे। कुर्म नामे से भी ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, कुर्म नामे से ही ग्राम वैदिक ब्राह्मण। अच्छा, बहु श्रद्धा भक्ति प्रभु र कैल निमंत्रण, घरे अच्छे घरे यानी प्रभु र कैल पाद प्रख्यालन, से जल वंश सहित करिल भक्षण, अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल लोक शिक्षा। से जल वंश सहित करिल भक्षण, अनेक प्रकार स्नेह विख्या कराइल गोसाई रेष अन्न वंश पाइल,
तो ये सिस्टम है कि कुर्म ब्राह्मण जब महाप्रभु आह्य स्थिति में आए, कीर्तन वीर्तन कर लेते थे, वो देख रहा था आकर के लोग चले, तो आकर महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया, उन चरणों गिर करके, प्रभु मैं गृहस्थ हूँ, कृतार्थ कीजिए मुझे, हमारा घर में विकार भिक्षा स्वीकार कीजिए। तो जैसे अन्न विना किया ये जो बाहर ब्राह्मण, तो कैसे व्यवहार गेस्ट को कैसे अनर किया जाता है, तो ही बताते हैं कि सही वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्ति प्रभुरा कैले निमंत्रण। एक तो निमंत्रण करना है श्रद्धा भक्ति के साथ, फिर घरे आनी महाप्रभुरा कैले पाद प्रख्यालन, घर में आते ही उनके पाद प्रख्यालन, पैर धो करके रखना, पाद प्रख्यालन अपने हाथ से करना है। बहु श्रद्धे प्रभुर कैल निमंत्रण, घरे आनी प्रभुर कैल पाद प्रख्यालन, सही जल वंश सहित करिल भक्षण, अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल, और पूरे घर परिवार के समस्त व्यक्ति उस पाद प्रख्यालन जल को भक्षण किए पाए, अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल, गोसाई रेषान्न वंशे दिखाइल, सही पाद पद्म तुम्हारे श्रद्धा जन है, सही पाद पद्म सख्यात हमार भाग्य रसीमान आ जाए कथन, आज ही मोर सौभाग्य है ल जन्म कुल धन। अब उन्होंने जो ब्राह्मण के घर में जाते थे तो ब्राह्मण उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला करके उनके पैर धोता था, पैर धोवन जल सब परिवार पीते थे, घर में छिड़कते, ऐसा करने के बाद पादप पद्म साक्षात आइल मोर घरे, सही पादप पद्म तुम्हारा ब्रह्म ध्यान करे, बोलते हैं आपके जो चरण को ब्रह्मा आदि ध्यान करते हैं वही पादप पद्म आज मेरे घर में आया है, हमारा भाग्य रसीमान आ जाए कखन, बोले हमारा भाग्य का सीमा ही नहीं कहा जा सकता, आप जिस अतिथि हमारे घर में आए, हमारे भाग्य न श्रीमान आ जाए कथन, आज ही मोर श्राघा है ल जन्म कुल धन। बोलते कि मेरा भाग्य को कहा नहीं जा सकता, आज आपके मेरे घर में आने से मेरा जन्म, मेरा कुल, मेरा सारे पूर्वजों सब कुछ आज धन्य हो गया, कृपा कर मोरे प्रभु जाई तुम्हारे संगे, सहित ना पारी दुख विषय तरंगे। तो कुरु ब्राह्मण ने भगवान को उनके घर में लेकर के, उनके पहले उनके परिवार वो बोल दिया होगा, पत्नी और बच्चे सब आ गए, आज इतने बड़े सन्यासी हमारे घर में आ रहे हैं, और इस प्रकार नृत्य कीर्तन, पर गांव वाले सब तो देखे थे, कल सुने थे खूब उनका नृत्य कीर्तन, देखे थे, वो तो सब समझ गए थे साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते। तो घर में महाप्रभु सन्यासी थे, तो उनके साथ जो कृष्णदास थे उन दोनों को इन्वाइट करके उनको पद धोत करना, विशिष्ट आसन में बैठने के देना, और बड़े श्रद्धा से जो पकवान जो सब बनाए थे घर में, साउथ इंडिया में तो रोटी तो बनता ही नहीं, अब राइस रसम सब्जी तो नाम मात्र बनता है, थोड़ा वो चटनी में और दो तीन लिक्विड भी आइटम बनाते हैं, रसम बनाते हैं और क्या बनाते हैं, चारू और सांबर चटनी पापड़ और लास्ट में बटर मिल्क देंगे रह दे, और भी ऐसा कुछ जो भी है पापड़ देखे। तो महाप्रभु बैठा कर उन सेवक साथ बड़े प्रेम से, ये थोड़ा और लीजिए आलट चम्मच पंखा चमर करते हुए बैठ करके, पति पत्नी परिवार बैठ करके खिलाए बड़े चैन से, इतने स्नेह भाव से खिलाते, इतने प्रेम से खिलाए कि महाप्रभु प्रसन्न हो गए उनके सेवा भाव को देख करके, बैठ के प्रसाद मान भर के पाए, प्रसाद पाने के बाद महाप्रभु का एक नियम है थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो जैसे लेटे महाप्रभु तो उनके जो अवशिष्ट प्रसाद महाप्रभु का जो थाली में बचा था उसको लेकर के परिवार से बांट कर उनको खाए, और जो घर के मुरब जो कुर्म ब्राह्मण है जो वैदिक ब्राह्मण कुर्म, उनका नाम कुर्म ब्राह्मण था, वो आकर के महाप्रभु जहाँ लेटे थे उनके शिष्य चरण के पास बैठ गए, बैठ करके चरण संभालने लगे, बोले आप थोड़ा आराम कीजिए मैं चरण लेटा। तो गोविंद करते थे, जिससे अभी कृष्णदास नए सर्वेंट आए हैं
तो वो कुर्म ब्राह्मण ने वो पद सम्मान करने लगे। तो करते करते यही बात कहे कि प्रभु आज मेरा परिवार धन्य हो गया, मेरा भाग्य खुल गया, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो गया, मेरा सब जन्म जन्म सफल हो गया, ये हो गया, लेकिन मेरा एक बात है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट करने लगा महाप्रभु, क्या? कृपा कर मोरे प्रभु जाई तो मार संगे, सभी ते ना पारी दुख विषय तरंगे, प्रभु कहे छे बात कभू ना कहिबा, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लेवा। तो कुर्म ब्राह्मण रिक्वेस्ट किया करके, अभी बाकी सब घर के लोग खाने में लगे हैं, कुर्म अकेले थे ब्राह्मण, वो आकर के बोलते हैं कि प्रभु मुझे कृपा करके आपके साथ ले चलिए, मैं घर में नहीं रहना चाहता हूँ, आपके साथ घर छोड़ के चला जाऊंगा। महाप्रभु बोले क्यों मेरे साथ चले जाऊंगे? तो ही बोलते हैं कृपा कर मोरे प्रभु जाई तुम्हारे संगे, मैं आपके साथ चले चलना चाहता हूँ। क्यों? ना सहित ना पारी दुख विषय तरंगे, ये घर संसार के जंजाल मेरे से और सहन नहीं होता, अब बहुत हो गया, इतने बार सभी लड़का काम चला लेता है। प्रभुपाद जी ने इससे तात्पर्य लिखते हैं इस टेस्ट का, बोलते हैं कुर्म ब्राह्मण जो थे उसी गांव में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अच्छे धनवान भी थे, उनके संपत्ति अच्छा था, उनके व्यापार ठीक था, उनके जो पुत्र थे वो अच्छे इनकम सोर्स था, भले आदमी थे, सब कुछ सुख समर्थ सामर्थ्यशील थे, लेकिन फिर भी जितने कोई अच्छा क्यों ना हो, सब कुछ ठीक ना हो, घर संसार के मेंटेन का झामेला तो टेंशन है ही है। वो जो गृहस्थ हैं वो जानते हैं, भले किसी को बताएंगे नहीं, दान दिखाकर बोलेंगे हाँ ठीक हूँ कहेंगे, लेकिन अंदर से तो रोते होंगे जानते होंगे। ये देखिए स्पष्ट बात, कुर्म ब्राह्मण जो इतने सुंदर कुर्म भगवान के साक्षात पूजक और इतने संपन्न व्यक्ति, परिवार संपन्न है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी रो रो करके प्रार्थना करते हैं प्रभु बस बस हो गया प्रभु, मैं और रहने मैं आपके साथ छोड़ के चला जाना चाहता हूँ, अब घर मना जो अपन जैसे करेंगे मुझे आपके साथ ले चलिए, मैं घर छोड़ के चला जाना चाहता हूँ आपके साथ। अब कारण बताते हैं, सहित नपारी दुख विषय, ये संसार दुख, ये जो विषय उसका तरंग मैं सहन नहीं कर सकता, विषय जंजाल घर संसार टू मच ना, बहुत हो गया और नहीं। तो ऐसे जब रिक्वेस्ट की प्रभु के सामने, तो प्रभु उनको क्या बताते हैं, ये देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, गृहस्थ के लिए महाप्रभु का फर्स्ट, एक फैमिली के प्रसाद ले रहे हैं अपने साउथ इंडिया टूर में और उनको उपदेश दे रहे हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति को जो घर द्वार छोड़ करके उनके साथ बाबा जी हो जाना चाहते हैं, फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट क्या उपदेश है ये सुनने के लिए। प्रभु कहे ऐछे बात कभू ना कहिबा, महाप्रभु तुरंत मुंह में हाथ लगाए, नहीं 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 ऐसे बात मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा ना करो। क्यों? अरे तुम्हारे घर में वो अतिथि होता है, तुम्हारे बेटा है, बहू है, तुम्हारे पत्नी है, सब है, वो आकर तुम मुझे पकड़ेंगे, बोले ले गया हमारे सिखा करके घर में, बोले ऐसे बात ना करो। फिर क्या करूं? गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लैवा, क्या करूं ना, मैं बताता हूँ करना क्या है, घर में रहो, घर में रह करके हमेशा हरे कृष्ण कीर्तन करो, घर में रह करके कृष्ण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और क्या करना है? एक तो काम करना है घर में ही रहो, घर में रह करके कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम के कीर्तन को, हरे कृष्ण कीर्तन करो। और एक दूसरा काम करना, चारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, मार आज्ञा गुरु हया तार देश, हमार आज्ञा गुरु हया तार देश। बोलते और जिसको अब देखते हैं, जो आपके परिचित बंधु मित्र हैं, जिससे आप भेंट होता है, बातचीत करते हैं, उनको भी कृष्ण के उपदेश दो, क्योंकि आप भी कृष्ण नाम करो,
कृष्ण के उपदेश भगवद गीता उसको भी पढ़ो और कृष्ण नाम करो, यही उनको भी समझाओ बताओ। ये दो काम गृहस्थ व्यक्ति के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया, दो काम करने के लिए, क्या घर में रह करके, लेकिन निरंतर, ऐसा नहीं जब इस सुबह सुबह उठते हैं आवास घर कृष्ण कृष्ण माला में जप करेंगे बाकी समय तो भाई काम में जाना है ऑफिस में जाना है कुछ करना, बोले तो वहां जा करके माला नहीं ले सकते, मन में तो कर सकते हैं, उसको रोकेगा मन में हमेशा, कभी लो भल्लीम कभी भाई भल्लीम कभी नो भल्लीम, किसी भी अवस्था से हरे कृष्ण महामंत्र चंटिंग अंदर से बाहर से विश्व से किसी भी चलते रहना चाहिए, इसी बोलते निरंतर जप करते रहो और जो आपको बंधु मित्र जो परिचित व्यक्ति मिले उनके भी यही उपदेश करो करने के लिए। अब ये कहते हैं अगर मेरे इस आदेश के अनुसार अभी दो काम करोगे, कभू ना बाधी वे तो मार विषय तरंग पुनरपि थाई पावे मोर संग, तो कभू ना बाधी वे तुम्हार विषय तरंग, अगर आप ये दो काम करोगे, क्या ना महामंत्र के कीर्तन करना है हमेशा और प्रीचिंग करना है, प्रैक्टिस एंड प्रीच, ये दो काम अगर करोगे तो क्या होगा, ना कभू ने बाधी वे तुम्हार विषय तरंग, तुम जो घर संसार के जंजाल जो सब ये सब टेंशन ये आपको कभी बाधित बाधित नहीं करेगा, ये सब आपको लगेगा नहीं, आप बिल्कुल कोई परेशानी में नहीं रहेंगे, घर संसार मेंटेनेंस का परेशानी आपके ऊपर नहीं आएगा, कभू ना बाधी वे तुम्हार विषय तरंग। और क्या होगा ना, उन्होंने क्रोम ब्राह्मण ने और एक बात भी कहा था, बोला प्रभु ठीक है लेकिन आपको मैं पाया घर में, आप जैसे अतिथि मेरे घर में आए, अब सच्ची बात है कोई अच्छे व्यक्ति अच्छे चरित्र वाले अच्छे गुण वाले अच्छे रूप वाले व्यक्ति हमको मिल जाते ना तो हम उनके साथ सेल्फी खींच लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनके फोन नंबर ले लेते हैं और उनके साथ मित्रता करके उनके साथ हमारा ये लगाना चाहते हैं, तो अरे कोई साधारण सांसारिक व्यक्ति के साथ हमारे इस प्रकार मन हो जाता है उनके बंधु मित्र बनने के लिए, और जो साक्षात परम ब्रह्म भगवान परमेश्वर आ जाए और उनका कैसे प्रभाव होगा, उनको घर में पाकर कोई छोड़ना चाहेगा, उनके संग पा करके कैसे कोई छोड़ सकता, तो इसीलिए ब्राह्मण तुरंत बोले कि मैं तुम्हारा मैं आपका विरह नहीं सह सकता हूँ, मैं आप एक तो घर संसार की टेंशन पर आपको पाया हूँ, आप चले जाओगे तो मैं रह नहीं सकता, प्लीज प्रभु मैं आपका विरह मेरे से भी सहन नहीं होगा, सार्वभौम कहते मेरे सिर में वज्र पड़ जाए मेरा बेटा मर जाए उसको मैं भले सहन कर लूं लेकिन आपके विरह सहन नहीं कर सकता, वही बात सारे गृहस्थ कहते हैं जिसको भगवान मिल गए कैसे छोड़ सकते, वही बोलता है कि प्रभु मैं भी मर जाऊंगा, मैं आप चले जाएंगे मैं आपको छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ, तो इसी बात के समाधान में महाप्रभु बोलते हैं एक तो घर संसार के जंजाल जो है हरे कृष्ण नाम कीर्तन करो और प्रचार करने से आपको लगेगा नहीं, दूसरा क्या होगा न पुनरपि थाई पावे मोर संग, पुनरपि आज तो मैं जा रहा हूं फिर मैं आपके घर में आ जाऊंगा, मेरा संग आपके घर में ही प्राप्त होगा, आपको मेरे साथ जाने का कोई जरूरी नहीं, मैं खुद आपका घर में आ जाऊंगा। महाप्रभु वरदान दिए अगर कोई इस प्रकार ये दो आज्ञा को महाप्रभु भगवान के पालन करेगा तो उनके घर में भगवान आ जाएंगे, उनको नहीं जाना पड़ेगा भगवान के पास, उनके घर में भगवान साक्षात आ जाएंगे। ऐ मत जार घरे प्रभु करे भिक्षा, सही ऐछे कहे तारे कराए शिक्षा। इसी प्रकार प्रभु जिनके घर में एवरीडे तो प्रसाद लेते थे, जिनके घर में प्रसाद लेते थे उनके घर में रहते थे उन्हीं का यही हाल होता था, जिसके घर में प्रसाद लेते वो भी आकर रोता था, बोलता मैं तो धन्य हो गया कृतार्थ हो गया प्रभु मैं ये घर छोड़कर आपके साथ जाना चाहता हूँ, तो सेम फॉर्मूला उनको प्रभु बताते थे नहीं घर में रह करके इसे नाम करो और गीता आदि पढ़ो और सबको भी प्रसार करो और आपको टेंशन नहीं लगेगा मैं आपके घर में आ जाऊंगा, सभी को यही बोलते हैं। यही मत जारा घरे प्रभु करे भिक्षा, सही ऐसे कहे वो भी इस प्रकार बात कर रहा था, तारे कराए यही मत शिक्षा, उनको भी ऐसी शिक्षा देते थे। पथे जाते देवालय
रहे जे ग्रामे जार घरे भिक्षा करे दुई चारी स्थाने। अब जब जाते थे रात को रुकते थे कहाँ है, तो होटल फोटल तो पैसा था नहीं, रुकने थे कोई मंदिर में रुकते थे, सो जाते थे देवालय में, कोई मंदिर वगैरह होता था मंदिर के बारे में, मंदिर के आंगन में कुछ सो जाते थे। तब जमाने में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होता ही नहीं था, जैसे भी सन्यासी थे सो जाते थे वाले मंदिर में सो जाते थे, और सामने कोई बावड़ी नाला नदी कुआं होता था जाकर स्नान करते थे, और भिक्षा के लिए घरे घरे भिक्षा करे दो चार स्थान है, दो चार जगह जाकर कहीं से भिक्षा कर लेते थे। कर्म जे छे रीति ते छे करी लगो साई। कर्म जैसे रीति तैसे कैला सर्वठाए, जैसे कर्म क्षेत्र में किए थे सब जगह पर ऐसे ही करते थे। नीला चले पुनः जावत ना इला गोसाई, नीला चल वापस आने तक एवरी डे का यही लगभग इसी प्रकार ही कार्य था उनका, यही प्रणाली था। अतएव यहाँ करिल करियान विस्तार यही मत जानी बे प्रभुर सर्वत्र व्यवहार। इसीलिए बोलते कि मैं एक बार बता दिया बार बार उसको बोलूंगा नहीं। यही मत से ही रात्रि तहा ही रहिला स्नान करी प्रभु प्रातः प्रातः काले तो चलिला। इस प्रकार रात में यहाँ रुके, मतलब कुर्म के घर में रात को रुके, रुक करके सुबह सुबह स्नान कर लो, चलो आप इतने करते हैं आज रात रुक जाता हूँ, उस रात वहाँ कुर्म घर में रुके और सुबह उठ करके और फिर चलने लगे। प्रभु अनुप्रजी कुर्म बहु दूर गेला, प्रभु तारे जत्न करी घरे पठाइला। अब प्रभु जब चलने लगे सुबह सुबह स्नान टान करके, तो कुर्म ब्राह्मण इतने अटैच हो गया था, भगवान है ना, तो उनको छोड़ने के लिए उनके साथ में बहुत दूर गला, कई किलोमीटर तक उनके साथ में छोड़ने के लिए, जाने के लिए नहीं, अब विदा देने के लिए जा रहा हूँ। इसी कहते हैं कि प्रभु अनुब्रजी कुर्म बहुत दूर बोला, उनके पीछे पीछे चल करके बहुत दूर तक चला गया, कई किलोमीटर चला गया उनके पीछे पीछे चलते, उनको विदा देने के लिए। महाप्रभु तो ऐसे नहीं कि ट्रेन स्टैंड की बस स्टैंड क्या कोई ऑटो में मेट्रो में जाएंगे, तब तो ऐसा कुछ था नहीं, पैदल में जाना था, पैदल में जाना था उसको पैदल चलना था, तो पैदल में अनेक दूर तक उनके साथ साथ में चले गए, छोड़ने के लिए मन नहीं करता था। तो प्रभु उनको जत्न करके, वो आना नहीं चाहता छोड़ करके, उनको समझा करके बुझा करके बोल करके आलिंगन दे करके समझा बुझा कर जत्न करके उनको वापस भेजना पड़ा। वासुदेव नाम एक दिज मोहाशय सर्वांगे गलित कुष्ठ से हो कीड़ामय। अब घटना क्या हुआ था, उसी गांव में जो कुर्म क्षेत्र गांव था, कुर्म सिकाकुलम, उस गांव के दूसरे प्रांत में एक वासुदेव करके एक ब्राह्मण रहते थे, उनका शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था, कुष्ठ अब समस्त होंगे लेप्रोसी कुष्ठ व्याधि। सर्वांगे गलित कुष्ठ से हो कीड़ामय, एक तो गलित कुष्ठ का मतलब है ऐसे कुष्ठ, कुष्ठ तो जानते हैं ना लेपर हो जाते हैं, शरीर में घाव हो जाता है, उस घाव ऐसे सड़ गया था, गल गया था शरीर, बिल्कुल सड़ गया था कि ये शरीर में कीड़ा चल रहे थे, कीड़े चल रहे थे शरीर, बिल्कुल ऐसे सड़ गया था। अंग है ते सही कीड़ा खसिया पड़े, उठाया सही कीड़ा राखे सही था। रात्रि ते सुनिला ते हों गोसाई आगमन, देखी ते आईला प्रत्येक कुर्मेर भवन। प्रभुर गमन कुर्मे मुख ते सुनिया, भूमिते पड़िल दुखे मूर्छित हैया। अब क्या घटना हुआ, बोलते हैं कि वो सुन लिया था कि दूसरे दिन रात को, क्योंकि जितने लोग आए थे कुर्मा मंदिर में, महाप्रभु के अद्भुत नृत्य कीर्तन देखे थे, हजारों भीड़ हो गया था उस दिन, और सब देख करके लोग शाम तक नृत्य जा जा जाते वापस जाते समय अपने अपने गांव में सब बातचीत करते थे, अरे क्या नृत्य था, क्या कीर्तन था, कैसे व्यक्ति थे, कैसे आंसू बह रहा था आंख से, ओ हो तो दिव्य था, ये तो मनुष्य हो नहीं, साक्षात परमेश्वर होंगे ही हो। सभी लोग ऐसे बातचीत करके जाते थे कि साक्षात भगवान पधारे हैं, वही आकर के मंदिर में नृत्य कर रहे हैं। तो ये आपस में बातचीत करके गांव के लोग सब जाते थे, तो वासुदेव कुष्ठ सुन रहा था। कुष्ठ क्यों सुना, कि जो
वासुदेव जी हुए वो गांव के ब्राह्मण था, लेकिन उनके शरीर में जब कुष्ठ व्याधि हुआ और ठीक नहीं हुआ, इतने बढ़ गया पूरा शरीर घाव में गल गया, गल गया मतलब बिल्कुल मेल्ट, शरीर सड़ गया बिल्कुल, सारे शरीर में घाव घाव मेल्टेड घाव हो गया बिल्कुल, गलित कुष्ठ हो गया और इतने कस करके घाव हुआ था कि सड़ गया था कि सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे, घाव के अंदर कीड़े चल रहे थे, यही से भयानक गलित कुष्ठ हुआ था। और दुर्गंध खूब आता था, तो इसलिए घर में परिवार में कोई रखने नहीं दिए, गांव वाले भी हटा, बोले हट यहाँ से यार, कोई देखने नहीं, कोई पास में दुर्गंध होता है। तो बेचारे घर से गांव से अलग हट करके, अरे एक आध किलोमीटर दूर में कोई एक छोटा सा जंगल है में, वहीं कहीं जा लोग फूक नहीं जाते हैं, वहीं एक पेड़ के नीचे वहीं बैठते थे, कोई अगर कोई देता था खाने के लिए तो खाते थे, नहीं तो नहीं बस हरि भजन करते थे, भगवत भरोसा में वहीं रहते थे, जो मिलता था थोड़ा सूखा मुखा पेड़ के फल या मूल जो कर पाते थे खाते थे, नहीं तो भिक्षा बरते कोई लोग दे देते थे, कहीं कहीं जाकर घर परिवार वाले जाकर के थोड़ा रोटी राइस दे आते थे होंगे उनको, वहीं खाते थे, गांव में नहीं आते थे, घर में नहीं आते थे, घर में कोई रख नहीं सकता इस दशा में। तब जमाने में इस प्रकार कुष्ठ व्याधि का हॉस्पिटल वगैरह नहीं था, तो बेचारे उन्होंने गांव से अलग अपंतरा में अलग जगह में ऐसे रहते थे और अकेले पड़े रहते थे, पूरा शरीर क्रीड़ा में था, लेकिन फिर भी इतने गलित कुष्ठ सड़ा हुआ पूरा शरीर, दुर्गंध कोई पास में नहीं जाता था, इतने दुर्गंध प्रतिगंध शरीर में लेकर भी ऐसे कठिन रोगग्रस्त अवस्था में रहते हुए सभी लोग चीची करते थे, कोई देखते नहीं थे उनको, उनके पास नहीं जाते थे, इतने बोलते पता नहीं कैसे कुकर्म किया था, ऐसे ऐसे करते थे उनको। इसी अवस्था में भी उन्होंने आराम से घर से गांव से हट करके बाहर रुक करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, यही कीर्तन करते थे। जो बोले प्रभु के इच्छा के अनुसार जो उनको मिलता था खाना उसको खाते थे, नहीं मिलता था हरिबोल नहीं खाते थे, लेकिन कीर्तन करते थे, और कीड़ा उनको खाते थे, उनके कष्ट भी सहन करते थे, तो ऐसे पड़े थे। तो ऐसे भक्त प्रवर इतने कष्ट में रहते, तो जब सुने कि रात में उनको नींद तो होता नहीं था, कीड़े काटेंगे नींद कैसे होगा, ऐसे तो गांव के लोग उसी रास्ता पर जाते थे, उनको सुनाई पड़ा कि गांव में भगवान आए हैं, ईश्वर आए हैं, नाच कर रहे थे, कहाँ है ये भी बता रहे थे, अरे पता नहीं कुर्मो के घर में गए ना, श्री कुर्मो प्रभु के घर में गए, आज रात से नहीं रुके, तो वो सुन लिए कि भगवान आए हैं हमारे गांव में और कुर्मो के घर में रुके। ये बात जब सुने तो कुष्ठ व्याधि ग्रस्त विप्र के मन में ईश्वर दर्शन के लालसा जागृत, किसका मन में नहीं आया, आप किसी को हमको पता चल जाएगा भगवान सख्त आए, हम तो कहीं से भी किसी भागेंगे, चाहे लॉकडाउन हो लॉकआउट हो, भाग जाएंगे भगवान देखने के लिए, अरे भाई ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे, भगवान दर्शन करके मरे। तो कुष्ठ व्याधि ग्रस्त विप्र सोचे भले ये मरना तो ऐसे ही है, तो जैसे भी है गलत कुष्ठ आज कैसे मरूं, लेकिन एक बार प्रभु के दर्शन तो कर लूं। हत भाग्य जी गांव में आए हैं, नजदीक आए हैं, तो इस चक्की में इस मेरे सार्थक जीवन सार्थक हो जाएगा, उनके दर्शन कर लूं। इसलिए सुबह उठ करके उन्होंने चले थे, बोले जैसे भी कैसे आपको बाहर से गांव से निकलेंगे, मैं दूर से देख लूंगा, एक बार दर्शन करूं, प्रणाम कर लूंगा, यही आशा लेकर के, उत्कट लालसा प्रभु दर्शन के इच्छा लेकर के उन्होंने निकले थे। निकल करके जा रहे थे, चल नहीं पा रहे, पूरा शरीर घाव सड़ा हुआ है, कुष्ठ व्याधि, चल नहीं पा रहे, धीरे धीरे चल रहे थे। और सुबह सूरज उगा, सूरज उगा तो धूप पड़ा तो आप जानते हैं धूप जब शरीर में पड़ता है जो कीड़े चलते हैं, कीड़े सब नीचे गिरते हैं, घाव से नीचे गिर कर पड़ते हैं। तो वासुदेव देखते हैं, बोले अरे ये बेचारे कीड़े खाएंगे क्या, कितना दया उनके मन में, ये तो मेरे शरीर के मांस खाते थे, और ये मैं धूप में आ गया, मतलब छाया में बैठा था तो आराम थे, धूप में आ गया, धूप के कारण सहन नहीं कर सकते, धूप को तो नीचे गिर जाते, मर जाएंगे। तो उनको उठा उठा करके फिर वापस से घाव के अंदर रखते थे, कीड़े जो उनके घाव से नीचे गिर जाते थे उनको जमीन से उठा करके फिर अपने घाव में रखते थे, इसी वजह से उनको चलने में थोड़ा लेट हो रहा था, तो फिर भी चल रहे थे, ऐसा ऐसा उठा रखते थे फिर चलते थे। आपके गांव से थोड़े पास पास आ गए थे कुर्म घर में, देखे कुर्म जी आ रहे हैं दूर से वापस, कुर्म वापस आ रहे, तो कुर्म भेंट हुए, पहचान लेते, वही गांव के लोग पहचान दिए, वो देखे ये कुष्ठ क्यों, कुष्ठ क्यों आ रहा है, तो उन्होंने पहले से हाथ जोड़ प्रणाम, बोले कुर्म प्रभु प्रणाम है कुर्म जी, हमें सुना कि कोई भगवान आए हैं, भगवान आए हैं और हमारे गाँव में आपके घर में रुके हैं। तो कुर्म ब्राह्मण बोले हाँ हाँ मैं तो अभी तो आए थे, रुके थे, लेकिन चले गए, मैं उनको छोड़कर तो वापस आ रहा हूँ।
अब कहाँ गए ना, दूर चले गए, दूर से छोड़कर वापस आ रहा हूँ। ओ हो, दुखी हो गए, मैं इतने कष्ट करके आया था देखने के लिए, मेरा भाग्य इतने खराब है, मैं इतने हतभागा हूँ, मैं इतने कष्ट कर आया फिर भी दर्शन नहीं हुआ, प्रभु आए थे, भगवान आकर भी चल गए, मेरा दर्शन नहीं हुआ। एक बार बिकल होकर के रो पड़े और मूर्छित होकर गिर पड़े, वहां गिर के विलाप करने लगे, रोने लगे। इसी बात को कहते हैं, उन्होंने क्या किए, प्रभुर गमन कुर्म मुखे ते सुनिया, भूमि ते पड़ीला दुखे मूर्छित होइया। भूमि में तुरंत गिर गए, मूर्छित होकर भूमि गिर पड़े। अनेक प्रकार विलाप करिते लागिला, सही क्षण आसी प्रभु तारे आलिंगिला। अब भूमि में मूर्छित होकर पड़ गए, कुर्म भी देख रहे थे, अरे दे कितने कुष्ठ व्याधि शरीर में है, कीड़े चल रहे हैं, फिर भी भगवान को देखने के लिए कितने इच्छा था उनके मन में। बेचारा थोड़ा लेट हो गया, भगवान तो चले गए। वो भी दुखी हो रहा था, उनके बिकलता, उनके दुख को देख रहे, इसने उत्कटता उनके अंदर था, ऐसे बिकल होकर रो रो करके मूर्छित गिर पड़ा सुनकर दुख के मारे। अब कुरुम ब्राह्मण खड़े होकर देखते थे उनके दशा, और बाह्य दशा हुआ, थोड़ी देर में उठा, उठ कर फिर सर पीट कर रोने लगा, बोला प्रभु मैं कितने दुर्भागा हूँ, भगवान आए थे हमारा गांव में, आपके घर में रुके और मैं आते आते चल पड़े, हाय हाय, फिर दोबारा सर पीट के रोने लगा। और गुरुमा उनके दशा देख करके रो पड़े, बोले कितने हाय हाय प्रभु मैं क्या करूँ, दूर चले गए, जाकर बुला भी नहीं सकता हूँ, क्या करूँ। और फोन नंबर ही था नहीं, फोन भी तो तभी जमाना होता नहीं था, कैसे बुलाऊं। इस अवस्था में दुख से वो भी तड़पते थे और तो बिगुड़ होता विलाप करता था। हठात क्या हुआ, सही क्षण आसी प्रभु ताहरे आलिंगिला। तुरंत वो जब मूर्छित होकर दोबारा गिरा, कुर्म देख रहा था, तुरंत आंख खोल के देखता है कि महाप्रभु वहीं है। महाप्रभु आकर के उनको नीचे से जमीन पर उठा करके बिल्कुल भुजमंडल में, बाहुमंडल में लिए, आलिंगन मुद्रा में देकर खड़े। कुर्म देख करके देख रहा, आंख फाड़ करके, क्या हो गया, अरे मैं तो वहां इतने 2 किलोमीटर छोड़कर आया था, यहाँ कैसे आ गए इतनी जल्दी, आकर के कुष्ठ को उठा रहे हैं, कुष्ठी वासुदेव को। और वासुदेव तो फर्स्ट टाइम देखा, बाबू तो बोले नहीं देखा था उन्होंने, वो जानता भी नहीं था कि यही है ईश्वर करके, जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, वो तो देखने से पहचानेगा, किसी को पूछेगा कि यही है क्या ना ये, अब उनको जानता भी नहीं था। लेकिन अब जो तो मूर्छित होकर गिर पड़ा था, रो रहा था, उसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर के जमीन से उठा करके, उनका शरीर पूरा कीड़े चल रहे थे, सड़ा हुआ मूर्छित दुर्गंध ऐसे शरीर था, कोई गांव वाले भी उनके परिवार वाले उनके पास नहीं जाते थे, ऐसे सड़ा हुआ दुर्गंध, ऐसे कीड़े चलते हुए शरीर को भगवान अपने दो श्री श्री भुजा जुगाड़ से उठा करके अपने दिव्य श्री विग्रह के अंदर में ऐसे आलिंगन मुद्रा में धारण किए। और एक कुर्म ब्राह्मण देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, और जो वासुदेव पुष्टि उनका भी जब आंख खोला, सेंस आया, वो देखा कौन मुझे उठाया, कौन मुझे अपने बाहों में आलिंगन में लिया है। अब देख रहा कि बिल्कुल सोना के जैसा चमचमाते हुए इतने लंबे शरीर, इतने लंबे लंबे हाथ, और इतने सुंदर शरीर, और मुझे आलिंगन मुद्रा में लिए हूँ। तो वो कुछ समझ गया कि आप ही साक्षात ईश्वर होंगे, और आप हो ही नहीं सकते दूसरा ईश्वर के अलावा कोई। वो समझ गया और अपने शरीर को देख रहा है, कहां घाव के निशान नहीं, दुर्गंध नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल दिव्य शरीर हो गया उनका, भगवत स्पर्श से वो रहेगा बीमार, भगवत कृपा से। अब हुआ क्या, देखिए बोलते, प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूर गेलो, आनंद सहित अंग सुंदर होइलो। अब प्रभु के श्री विग्रह के हस्त कमल के स्पर्श पा करके उनके कुष्ठ व्याधि तुरंत अंतर्धान हो गया था, बिल्कुल स्पॉटलेस भी, कोई का हमारे बीमारी कोई घाव सूख जाता तो चिन्ह तो रह जाता कम से कम, वो चिन्ह भी नहीं था, स्पॉटलेस ऐसे सुंदर शरीर हो गया। अब क्या हुआ, ऐसे
प्रभु के बोले के इस शरीर के बाद ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके टाइम हो गया ना क्वेश्चन है? हाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो नहीं शाम के सेशन में आप आ सकते हैं कुछ समय शाम में, श्री श्यामानंद प्रभु वंशीवर्धन ठाकुर के बारे में भी थोड़ा सूचना देंगे, क्योंकि आज इसे महान गौर पार्षद के आविर्भाव तिथि है, तो हो सके तो थोड़ा बहुत उनके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण सुनिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 हरि।